डाल दिया है ना, लो खड़ा रहा है भाई गिलास पकड़ के। हाँ जी, टीजर रिव्यू करना है भैया, बंटी और बबली टू का, यही नाम है ना, बंटी बबली टू। अबे टीजर में तो अभिषेक नहीं था इसमें? अच्छा, मना कर दिया। तुझे बड़ी खबर है। रानी मुखर्जी। हाँ जी, बंटी बबली टू का टीजर रिव्यू। क्या टीजर है भैया, मजा आ गया देखकर। सैफ अली खान सुपरस्टार, रानी मुखर्जी, ओ हो, झड़ा हुआ चेहरा और उड़े हुए साल, थोबड़े पे जो चार चार परते मेकअप की लगा रखी, उसके अंदर से भी उड़ उड़ के नजर आ रही हैं। और पीछे भैया एक लुखा और एक लुखी, मुझे समझ नहीं आता बंटी बबली टू बनाया है या कुछ और ही बनाया है। एक तो आदित्य चोपड़ा को ना लोंडिया बदलने की इतनी जल्दी रहती है कि भैया क्या कहें, अब लोंडियाएं बदलते रहते हैं और फिर प्रॉमिस उलपटांग कर देते हैं और उस चक्कर में फिल्में बनानी पड़ती और झेलनी पड़ती पर ऑडियंस को, पर अमित दत्ता जब तक बैठा है ये ऐसा होने नहीं देगा। 0 रेटिंग है मेरे इस टीज़र को। मंडे को ट्रेलर आएगा तो थोड़ा और मज़ेदार रिव्यू करेंगे। अभी जो छोटा सा टीज़र आया उसमें सैफ अली खान रानी मुखर्जी बात कर रहे हैं। भैया 12 साल से काम नहीं किया है, भैया नहीं किया है क्योंकि मिला नहीं है। और रानी मुखर्जी तो घर की मुर्गी है आदित्य चोपड़ा की, कंपनी तो डुबो रखी है यश चोपड़ा के मरने के बाद। इन्होंने YRF जो रही सही मट्टी पलीत है वो ये बुढ़िया आके कर देती है। जब ये पीछे पड़ती, भैया मैंने तुझे लड़की पैदा करके दी है, मुझे फिल्म बना कर दे, ये तो धंधा चल रहा है इन लोगों का। अभिषेक बच्चन ने भैया ये चिड़ी मार रोल करने से मना कर दिया। वैसे भी उनकी जोरू है जो ऐश्वर्या राय, उसको रानी मुखर्जी एक आंख नहीं भाती क्योंकि काफ़ी गर्म सीन दिए थे इसने युवा में और बंटी और बबली में अपने ए बी बेबी के साथ। और इतनी पागल हो गई थी ए बी बेबी की बहू बीवी बनने के लिए कि अपने ससुर अमिताभ को भी स्मूच दे दिया था ब्लैक फिल्म में। शादी तो हुई नहीं भैया, जब फिल्में दो चार मिलती थी अभिषेक के साथ वो भी बंद हो गई। अब हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे भाई? ना यार, खड़ा रहा है करे ये ले रख। ऐसा है भैया कि फिल्म तो हमको पता है कैसा होगा क्योंकि अकल दो पैसे का नहीं है आदित्य चोपड़ा को। जो DDLJ इसने बनाई थी वो इसने नहीं बनाई थी, इसके बाप ने बनाई थी, इसका सिर्फ नाम लगा था। ये तो टॉम क्रूज को लेने को फिर रहा था, शुक्र है नहीं लिया। उसके बाद इसने जो एक कौन सी थी बे, वो अनुष्का शर्मा के साथ जब उसकी सेटिंग थी, जो भी है शाहरुख खान के साथ ब्लॉकबस्टर आई थी, वो भी भैया यश साहब ने ही डायरेक्ट की थी। वो जब से उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है डेंगू से 2012 में, जब तक है जहाँ आखिरी फिल्म बनाई थी जिसने 100 करोड़ का धंधा किया था, उसके बाद इसकी कोई फिल्म नहीं चली है। एक धूम 2-3 जो भी थी इसमें आमिर खान था वो चली थी, वो प्रोडक्शन थी इसकी, सिद्धार्थ आनंद ने शायद डायरेक्ट की थी, बट आमिर खान की खासियत थी और कटरीना के जलवे थे। वरना इस आदमी ने दो पैसे का काम नहीं किया। एक वॉर चली है उसमें टाइगर और ऋतिक का जलवा फिर से सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन थी और इसकी कम इंटरफेरेंस थी। इसने सिर्फ कहा था मेरी चमिया वानी कपूर को भैया दे दो 15 मिनट का रोल। तो यह है हमारा रिव्यू, रिव्यू बंटी बबली टू टीजर का। 0 रेटिंग, थर्ड क्लास फिल्म है और मजा लूंगा जब सोमवार को भैया इनका एक बार ट्रेलर आने दो। दुआओं में याद रखना सुपरस्टार को, तू तो ला भैया।